हेलो एवरीवन स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जी क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट टू एच सी वर्मा के एटम चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे एटम सीरीज के वीडियो देखें क्योंकि वो वीडियो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अभी हमने एटम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा अब हम उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एच सी वर्मा से लिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम का मिनिमम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अब बोर के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि एटम का एंगुलर मोमेंटम अराउंड द न्यूक्लियस एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई होता है जहाँ एन एक इंटीजर है जिसका वैल्यू वन से इन्फिनिटी होता है तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम के लिए एन इज इक्वल टू वन होगा क्योंकि एच और पाई तो कांस्टेंट हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू होगा एच ओवर टू पाई तो सही आंसर है सी चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के एक सैंपल को पिक किया जाता है और फोटोन जो उस सैंपल से निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पूछा गया है कि फोटोन मस्ट कम फ्रॉम नंबर वन सिंगल ऑटम नंबर टू टू एटम नंबर थ्री थ्री एटम नंबर फोर आइदर टू और थ्री एटम इसको समझने के लिए हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट बनाते हैं। हम देखते हैं कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 और E3 के सब्सटेक्शन से ऑप्टेन की जा सकती है। तो एक ट्रांजिशन E3 से E1 है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 से E1 में ट्रांजिशन पर ऑप्टेन किया जा सकता है। और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E3 से E2 में ट्रांजिशन से ऑप्टेन होगा तो इस तरह हम देखते हैं इस ट्रांजिशन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एटम टू होंगे क्योंकि दो एटम इन तीन ट्रांजिशन को कवर कर सकते हैं पहला जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है और जब दूसरे एटम के लिए ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट आता है तो ये तीन ट्रांजिशन कवर हो जाते हैं इसी तरीके से तीन फोटोन तीन एटम जिनमें एक का ट्रांजिशन ई थ्री टू ई वन दूसरे का ई थ्री टू ई टू और तीसरे का ई टू इन तीन ट्रांजिशन को कवर कर लेते हैं तो सही आंसर डी है चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू थ्री टू एन इज इक्वल टू टू में टाइम टेन टू दावर माइनस एट सेकेंड में ट्रांजिशन करता है तो इलेक्ट्रॉन पर जो टॉर्क लगेगा उसका क्या ऑर्डर होगा और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं सपोज एटम का अरेन्जमेंट फिगर के अकॉर्डिंग है और इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू थ्री से टू में आता है ऑर्बिट थ्री में एंगुलर मोमेंटम थ्री एच बाई टू पाई और सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टू एच बाई टू पाई तो चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन विल बी मोमेंटम इन थर्ड ऑर्बिट और मोमेंटम इन सेकेंड ऑर्बिट के शन से आएगा तो चेंज इन मोमेंटम विल बी 3h एच बाई टू पाई माइनस टू एच बाई टू पाई होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर चेंज इन मोमेंटम विल बी 1h एच बाई टू पाई होगा इक्वेशन में h और पाई का वैल्यू रखकर सॉल्व करने पर चेंज इन मोमेंटम जीरो फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी फोर के मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा अब रोटेशन मकैनिक से हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम तो करस्पोंडिंग वैल्यूज इक्वेशन में रखकर सॉल्व करने पर टॉर्क का वैल्यू 1.05 पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी न्यूटन मीटर आता है जो ऑप्शन बी के क्लोज है इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है अगले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस ट्रांजिशन में एमेटिक एनर्जी की वेवलेंथ मिनिमम होगी इसके लिए हम हाइड्रोजन एटम विद ऑर्बिट बनाते हैं एनर्जी इक्वेशन से हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन एच सी बाई लेमडा होती है और ये फोटोन की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन सपोज ई आई से ई एफ में ट्रांजिशन करता है तो एमिट होती है यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि हमसे वेव लेंथ लेमडा पूछी गई है हम देखते हैं कि वेवलेंथ लेंथ लेमडा एनर्जी डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम होगी तब लेमडा मिनिमम होगा तो बेसिकली हमसे पूछा गया है मैक्सिमम एनर्जी किस ट्रांजिशन में एमिट होगी हम दिए गए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस लिखते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंस एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू वन के ट्रांजिशन में आता है इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम ड्यूटीरियम एटम सिंगली हीलियम एटम और डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम में से किस केस में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मिनिमम होगी हमने रेडियस की इक्वेशन के वीडियो में डायराइव किया था कि इस इस में फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट की की रेडियस रेडियस के लिए होगा तो तो तरह हम देखते हैं कि ऑर्बिट की रेडियस एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस दिए गए ऑप्शन में लिथियम का एटॉमिक नंबर तीन है और रिमेनिंग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इससे कम है तो इसलिए सबसे बड़ी रेडियस लिथियम आयन की होगी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एन इजिकल टू टू से एन इजिक्वल टू वन में ट्रांजिशन में किस केस में वेवलेंथ सबसे कम होगी और ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए वापस से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिटेड देखते हैं हम जानते हैं कि ऑर्बिट एम डैश से ऑर्बिट एन में आने में एमिटेड एनर्जी एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एम ई टू पावर फोर एट एफसेल एन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एम डैश स्क्वायर होती है इस इक्वेशन में एम डैश इज इक्वल टू टू और एन इज इक्वल टू वन सभी एटम्स तो हम देखते हैं कि z को छोड़कर इक्वेशन में बाकी सभी कांस्टेंट हैं और लैमडा z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए z विल भी मैक्सिमम होना चाहिए इस केस में हाइड्रोजन ड्यूटॉन, हीलियम और लिथियम आयन का एटॉमिक नंबर वन वन और थ्री रेस्पेक्टिवली होगा तो मिनिमम वेवलेंथ लिथियम आयन के लिए होगी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत